नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में शुक्रवार देर रात 11 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के FSSO गिरीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि किसी तरह के कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हॉस्पिटल के COVID-19 सामान सहित लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर राख हो गया। आइए पूरी खबर जानते हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अन्नू है। अन्नू है? अन्नू यादव। हाँ जी, नाम बताओ। मेरा नाम है अन्नू यादव। अन्नू, क्या हुआ था उस समय जिस समय आग लगी, तो आप लोग कहाँ थे, कैसे? कमरे में थे अंदर। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर में। फिर ये मैडम जी ने कहा भागो, बाहर को निकलो। फिर निकले थे बाहर को, बाहर निकल के आए थे बस। कितनी विकट आग थी? हाँ जी, आग कितनी विकट बता रहे, तो पता चल पाई मतलब? आग काफ़ी तगड़ी थी गया। उन्होंने आवाज मारी, ये हमारे साथ के वो लाए थे पकड़ के। अच्छा। टांग में फ्रैक्चर है ना मेरे में, तो ये उठा के लाए थे भाग के। स्ट्रेचर वगैरह भी लाए होंगे हॉस्पिटल से? हाँ। मेरा नाम मीनाक्षी अग्रवाल है। जब आग लगी तो उस टाइम हम फटाफट स्ट्रेचर विस्ट्रेचर लेकर के रमेश जोशी भैया और असलम भैया को लेकर के फटाफट उधर की तरफ गए। वहाँ से मरीजों को वहाँ से हमने निकाला और लोगों को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी के डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, CMS सर को इन्फॉर्म किया। उस समय वहाँ पे हमने मतलब क्या नज़ारा था उस समय, और आप लोग उस समय आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने फटाफट क्या कहते हैं 102 नंबर पर फ़ोन करा ताकि आग बुझाने की गाड़ी आ सके और यहाँ पर थोड़ी सुविधा मतलब मिल सके उसके। कितने मरीज होंगे इस कमरे के अंदर? उस समय वहाँ पे समय 3 मरीज थे, इधर मेल वार्ड में पेशेंट थे। यहाँ से मरीजों ने एकदम से हड़कंप मचा दिया ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। देखिए, कल रात को मुझे 11:55 में ये मिला कि भाई काशीपुर के ट्रॉमा सेंटर में कुछ अग्निकांड हुआ है। मैं तुरंत उस CMS को मैंने कहा भाई पहले तो ये करो, सबसे पहले आप मरीजों को वहाँ से शिफ्ट करो, जो भी मरीज थे। तो वहाँ से शिफ्ट किया, 12:45 तक मैं इनके संपर्क में था। इनने कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है और आप अब यह आग काबू में है। तो मैं उसके बाद वहीं, और सुबह मैं यहाँ पर स्वयं निरीक्षण के लिए आया। इसके बाद हमने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद जो सामान हमारे पास ये कल बिंदु खत्ता के कोई फैक्ट्री ने दान में दिया था, उसके लिए हमने जांच के आदेश बना दिए हैं, जिससे 5 सदस्यीय दल होगा, 3 डॉक्टर्स होंगे, 1 चीफ फार्मासिस्ट होगा, 1 मेडिकल होगा, ताकि उसमें जो भी कर्मचारी उनके सबके बयान लिए जाएंगे। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि जितने भी आपके CCTV लगे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में लगे हैं या वो कैंपस में लगे हैं, उन सभी को सेव कर लिया जाए ताकि हमें जांच करके ये पता है आग किस कारण पर लगा और कहाँ से लगी। सर बात करें तो लगभग कितना नुकसान हुआ है इसमें? देखिए, उन्होंने जो इन्वेंट्री दी है मुझे 20 लाख का सामान का दिया है, लेकिन कुछ सामान जैसे फेस शील्ड और कुछ सामान दूसरे स्टोर पर रखे गए हैं, वो सामान सुरक्षित है, बाकी वहाँ पर जितने और रखे गए होंगे उसी वही नुकसान हुआ है। सर कल 11:30 बजे आया है और रात को ये कानून है। सर कितना सदस्य टीम है, किसके नेतृत्व में काम करेगी ये? CMS के नेतृत्व में, क्योंकि इसका इंचार्ज CMS होता है। सर कितना समय दिया गया जांच के लिए? 15 दिन के अंदर दे देंगे।